नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे थ्योरी टू प्रैक्टिकल में। जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो आज मैं आपके सामने लेके आए हो। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब आपके सामने सिलेबस आ चुका है। जी हाँ, हीट इंजन का सिलेबस आ चुका है। आपको क्या तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है, वो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो हीट इंजन का जो सिलेबस है वो फिटर, इलेक्ट्रिशियन और डीजल मैकेनिक तीनों का मिला के बनाया हुआ है। ये सिलेबस कहीं पे भी DGT की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध नहीं है, फिर भी कुछ छानबीन करके मैं ये लेके आ चुका हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। शुरू करते आइए। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो उसका PDF फॉर्मेट है। PDF फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है मेजर ट्रेड ग्रुप, इसके आगे लिखा हुआ है हीट इंजन ट्रेड, यानी कि हीट इंजन ट्रेड का ही सिलेबस है। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है माइनर ट्रेड एरिया, यानी कि बेसिक फिटिंग। फिटिंग का मतलब है कि ये फिटर संबंधित ट्रेड से सिलेबस है, जो कि इसका मॉड्यूल नंबर 1 है। ये 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है सिलेबस, तो आपको हर मॉड्यूल के हिसाब से तैयारी करनी है। तो नंबर 1 मॉड्यूल है वो फिटर रिलेटेड है। अब इसके टॉपिक देखें, इसके लेफ्ट साइड में जो है वो है ट्रेड थ्योरी के टॉपिक है, और राइट में प्रैक्टिकल के, जो प्रैक्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड थ्योरी का सिलेबस उसको देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से तैयारी शुरू करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो फिटर में क्या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, जो कि हर ट्रेड में लगभग सेम है, चाहे वो RAC हो, फिटर हो, टर्नर हो या और भी कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, कुछ भी कोई भी ट्रेड हो, सबका सेम होता है, सब में सेफ्टी कॉमन है। तो ये सबका आपको हर जगह इसका मिल जाएगा। उसके अलावा उसमें लीनियर मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट्स, जो आपको ऐसे यूनिट्स के बारे में ज्ञान है वो यहाँ पे आपको यूज करना है, लीनियर मेजरमेंट्स। उसके बाद में स्क्राइबर्स, स्क्राइबर्स होते हैं जो कि मार्किंग टूल होता है, तो मार्किंग टूल का आपको यूज करना है। स्क्राइबर मेथड जो कि स्टील रूलर और मेजरमेंट, जितने मार्किंग टूल्स और मेजरमेंट मेजिंग टूल्स थे वो सब इसके अंदर पढ़ने हैं। ये पूरा आपका बेसिक फिटिंग में एक पार्ट हो गया इसका। उसके अगर नीचे बढ़े तो हैक्सो के बारे में है, यानी कि हैक्सो की फ्रेम्स हैं, उसकी बॉडी है, और उसके अलावा फाइल्स होती है, फाइल्स के ग्रेड क्या है, फाइल्स यानी रहती है, तो उसके ग्रेड क्या है, उसका कौन सा कट है, सिंगल कट है, डबल कट है या क्रॉस कट है, राउंड कट है, वो सब उनके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा वाइसेज होते हैं, बेंच वाइस, तो बेंच वाइस, पाइप वाइस, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो सब ये फिटर ट्रेड का सिलेबस है। उसके अगर नीचे देखा जाए तो फिर शुरू होता है चीजल्स। चीजल्स यानी कि छैनी, छैनी होती है, तो छैनी के टाइप क्या है, उसके यूजेस क्या है, फिर उसमें फाइल टाइप वो आ गया, और उसके अलावा रैगमाल, रैगमाल का क्या यूज होता है, यानी कि सैंड पेपर, सैंड पेपर का यूज होता है, उसके बारे में इसमें आपको होना चाहिए ज्ञान थोड़ा बहुत। फिर उसके नीचे बढ़े तो सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट सी क्लैम्प्स, यानी कि जो जॉब को फिक्स करने का काम करते हैं, जिसके ऊपर जॉब रखा जाता है, उन सबके बारे में आपको पढ़ना है। उसके साथ में कुछ मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है और हाइट गेज है, उसके अलावा उनके जो लिस्ट काउंट वगैरह है उसका ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। तो ये सब अभी तक फिटर का पोर्शन चल रहा है, ये सब आपको फिटर में, फिटर वाले वीडियोज में आपको सब मिल जाएगा, इसके बारे में सब पढ़ाया हुआ है। फिर आगे बढ़े तो उसमें ड्रिल्स वगैरह हैं, यानी कि ड्रिल सिस्टम, ड्रिलिंग कैसे होती है, उसके बारे में सब इसमें दिया हुआ है। शैंक्स है, फ्लूट्स है, और कौन कौन से ड्रिलिंग के टाइम में कूलेंट यूज होते हैं, ताकि जो ड्रिलिंग करते हैं उस टाइम हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट को रोकने के लिए कूलेंट का यूज होता है, तो कौन सा कूलेंट आपको यूज करना है, ठीक है, ऑयल लेना है या पानी से काम चल जाएगा या और कोई कूलेंट का यूज होगा, तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। उसके बारे में जो हमेशा एक सवाल जरूर आता है वो आता है एंगल के ऊपर, सवाल आता ही आता है। एंगल्स जैसे कि किसी स्क्राइबर का एंगल होता है तो जो 90 डिग्री पे होता है, उसके अलावा पंचेस होते हैं, तो पंचेस के प्रिक पंच, डॉट पंच, सबका एंगल वगैरह होता है, तो उसी तरह ड्रिल के भी एंगल होते हैं, तो ड्रिल एंगल हमेशा एक सवाल आता ही आता है इसके ऊपर।
ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। तो ड्रिलिंग की कटिंग वगैरह कटिंग स्पीड क्या होती है और कौन कौन से मेथड होते हैं कटिंग के, उसके अलावा किस टाइप की ड्रिलिंग मशीन आती है, उसका बेड किसका बना होता है, ये सब आगे इसका ज्ञान होना जरूरी है। उसके साथ में जो मेटल होते हैं ड्रिलिंग करने में, तो उनका ज्ञान होना आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट जैसे किसका स्क्वायर हेड है, प्रोडक्टर हेड है यानी कि चांदा, जिसको हिंदी बोलते हैं चांदा, और सेंटर हेड और मार्किंग वगैरह, उनके मार्किंग होती है उनसे, तो उनका सबका ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा हम देखेंगे तो ये थ्रेडिंग, एक्सटर्नल थ्रेडिंग वगैरह, थ्रेडिंग होता है, नर्लिंग होता है, ये ऑपरेशन कैसे होते हैं उनके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये सब कॉम्प्रोमाइज होकर फिटर का सिलेबस बनता है, यानी कि आपको फिटर का अगर तैयारी है तो आपका हीट इंजन का कुछ भाग पूरा हो गया है। आगे बढ़े, इसमें माइक्रोमीटर भी आ गया है। माइक्रोमीटर के टाइप इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड है, और डेप्थ गेज वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट, फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट। अब चलिए सेकेंड मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, वो किसका मॉड्यूल है। सेकेंड मॉड्यूल में आप देख रहे हैं कि मेजर ट्रेड ग्रुप लिखा हुआ है, फिर से हीट इंजन ट्रेड, और उसके नीचे लिखा हुआ है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स यानी कि किस टाइप का आपको मापन करना है, मापन के बारे में जितने उपयोगी होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसका वो नॉलेज होना आपको जरूरी है इस मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल नंबर सेकेंड, ये सेकेंड मॉड्यूल है। तो सेकेंड मॉड्यूल में जैसे कि आपको क्या चीज मेजर करनी है और कितनी दूरी से उसको मेजर करना है, उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा तीन सिस्टम होते हैं मेजर करने के, CGS, FPS एंड MKS। ठीक है, जैसे कि ये रहा CGS, FPS एंड MKS सिस्टम। यहाँ CGS डिनोट करता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS डिनोट करता है फुट पाउंड सेकेंड, एंड लास्ट वन MKS यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम को डिनोट करता है। तो इन तीनों के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप सबको पता है कि हम MKS सिस्टम ज़्यादा यूज होता है अपने इंडिया में, और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के भी हिसाब से ये सही है, इसलिए MKS सिस्टम का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। उसके अलावा कैलिपर के बारे में ज्ञान होना आपको आवश्यक है, जैसे कि जानी कैलिपर है, और कैलिपर डिवाइडर है, ट्राई स्क्वायर है, और उसके अलावा उनकी केयर कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, यानी कि उसकी प्रॉपर ऑयलिंग करके उनको रखना है, या फिर उनको हैमर से प्रयोग नहीं करना है, हैमर के द्वारा यूज नहीं करना है, या उसको मेजरिंग डिवाइसेस को मार्किंग टूल्स की तरह यूज नहीं करना है, तो इन सबका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, उसके अगर नीचे बढ़े तो माइक्रोमीटर्स का पोर्शन शुरू हो जाता है। माइक्रोमीटर का पोर्शन है तो ये भी सब ट्रेड में कॉमन है, ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सब जो यूनिट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, तो वो आपके जो CBT सेकेंड का फर्स्ट पार्ट होगा उसमें बेसिक साइंस है, तो बेसिक साइंस के अंदर जो यूनिट चैप्टर है तो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो आपके 2 बार कवर हो जाएगा ये। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के आगे बढ़ेंगे तो उसमें डायल माइक्रोमीटर है या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर है, उनको केयर कैसे केयर करना है वगैरह, ये सब आपको ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है एरर डिटेक्शन, उनमें एरर कैसे निकालनी है, एरर का डिटेक्शन कैसे करना है, तो इसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। फिर नीचे बढ़े तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेजरमेंट डिवाइस वो है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जरूरी सवाल आता है, एक सवाल। उसके अलावा उनके किस टाइप के होते हैं, मीट्रिक होता है, इंचेस में होता है, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, वो सब आपको ज्ञान होना जरूरी है, और ये कहाँ का अप्लाई होगा, तो ये सब पूरा ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो ये अपने मॉड्यूल सेकंड पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, मॉड्यूल नंबर थर्ड। थर्ड मॉड्यूल में मेजर ट्रेड ग्रुप तो हीट इंजन ट्रेड ही है, जो माइनर ट्रेड है वो है शीट मेटल हैंड फोर्जिंग एंड वेल्डिंग, ये भी मैकेनिकल का पोर्शन ही है, बस इसमें थोड़ा ये शीट मेटल का अलग से ट्रेड होता है तो उसके अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन वेल्डिंग है वो हर एक में कॉमन आ गई है। जैसे कि आपके हीट इंजन में वेल्डिंग होती है, डीजल मैकेनिक में भी वेल्डिंग होती है, और फिटर वगैरह में भी वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग का पोर्शन आपके आएगा ही आएगा। तो उसके अंदर पढ़ते सबसे पहले इसमें वो कि वही सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह वो सबको पढ़ने हैं, जो एक बार आप पढ़ लोगे वो कॉमन है सब में, वो के वही यूज होंगे। और उसके अलावा जैसे कि कई बार आग लग जाती है, या फर्स्ट एड की सुविधा वगैरह होती है, जैसे
जैसे कोई बेहोश हो गया है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देना है, सांस मुंह से सांस वगैरह कैसे देनी है, तो वो मेथड आपको ज्ञान होना आवश्यक है, उसका थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी होना चाहिए। कई बार उसके ऊपर भी सवाल आ जाता है। तो फिर उसके बाद में मेटल्स के बारे में ज्ञान, जो कि केमिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो वो उसका ये आपके इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल्स के कौन कौन से यूजेज हैं, मेटल कौन कौन से काम आते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील हुआ या नॉन फेरस मेटल वगैरह हुआ, और डिवाइडर वगैरह हुए, ट्रेमल हुए, ठीक है। फिर नीचे बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ स्निप्स एंड सीयर्स, इनके बारे में भी ज्ञान जरूरी है, इनकी केयर कैसे करनी, उनका मेंटेनेंस कैसे करना है, सब बेसिक नॉलेज है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको अगर हो गया तो आपका ये टेंशन कवर हो जाएगा, क्यों आपको सबको पता ही है इसमें नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको पास होना बहुत जरूरी है, यानी कि 26 नंबर लाने 75 में से बहुत जरूरी है, 75 में से 26 नंबर आपके आगे तो आप पास हो गए, यानी 34% लगभग हो गया है, ठीक है। फिर इसमें आगे बढ़े तो सॉफ्ट जो वाइस क्लैम्स प्लायर बेंच स्टिक्स होल्डर वेरियस टाइप वगैरह, ये इसका ज्ञान होना जरूरी है। और जो शीट मेटल में जो ज्यादा यूज आता है वो होता है हैमर का यूज, तो हैमर के बारे में आपको ज्ञान जरूरी है, जैसे कि बॉल पिन हैमर हो गया या मैलेट हो गया। मैलेट क्या काम आता है कि जो कि सॉफ्ट कुटाई के लिए काम आता है, सॉफ्ट कुटाई के लिए मैलेट का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे जैसे कि नॉर्मल हैमर होता है, तो नॉर्मल हैमर से अगर हम कुटाई करेंगे या उसको हम ठोकेंगे तो उससे क्या होगा, जहाँ पे जो सीट वगैरह होगी तो वहाँ पे रशेस पड़ जाएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे, इसलिए मैलेट का, मैलेट जो कि रबर का बनता है या फिर लकड़ी का बनता है, तो उससे कुटाई करेंगे तो वो उसकी जो फिनिश होगी सर्विस की वो खराब नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा फाइल्स आ गया, जो फाइल्स आपके पीछे भी आपने पढ़ा था तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें वो सेम कट ग्रेड वगैरह लेंथ उनकी क्लासिफिकेशन सॉफ्ट मेटल वगैरह हो गया है। और अब बात करेंगे तो वेल्डिंग की तरफ आते हैं, तो वेल्डिंग में आपको सोल्डरिंग ब्रेजिंग और वेल्डिंग तीनों आपको पढ़ना है। फिर सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स यूज होता है वो आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, ये फ्लक्सेज ऑफ सोल्डरिंग। फिर रिवेट्स आ गया, रिवेट्स का भी बहुत जरूरी काम होता है इसमें शीट मेटल वर्क में, तो कौन से टाइप के रिवेट्स होते हैं, कौन से जॉइंट के ऊपर कौन सा रिवेट यूज होता है। रेलवे में रिवेट का बहुत ज्यादा फंक्शन है, जैसे कि बोगी वगैरह होती है, रेलवे की बोगी कोचेज वगैरह, तो वहां पे रिवेट का यूज ज्यादा होता है, वहां पे नट बोल्ट काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट होता है पार्ट्स में, तो जिस पार्ट्स में मूवमेंट होता है वहां पे नट बोल्ट की काम नहीं होता, क्योंकि वो खुल जाता है, इसलिए वहां पे रिवेट का यूज होता है। उसके नीचे ब्लोवर, उनके वर्किंग पार्ट, फोर्जिंग पार्ट, यानी कि शीट मेटल में अगर किसी को फोर्ज करना है, यानी कि कोई आइटम को उत्पाद करना है, तो उसको पहले हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसको गर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए वात्स भट्टियों का यूज होता है, तो उसी को फोर्ज पार्ट बोलते हैं, यानी फोर्जिंग उसको बोलते हैं, भट्टियों को फोर्ज टाइप बोलते हैं। उसमें कौन कौन से उसके यूजेज हैं और उसमें कौन कौन से हैंड टूल्स काम आते हैं, उनका प्रयोग भी आपको ज्ञान हो जाए, उनका प्रयोग का ज्ञान भी होना आवश्यक है। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है वेल्डिंग, ये वेल्डिंग ट्रेड का ही पार्ट्स हैं, लेकिन हीट ट्रीटमेंट में दिया हुआ है, क्योंकि वेल्डिंग करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो वेल्डिंग करते टाइम में ये बहुत ही हानिकारक होती है आंखों के लिए, तो इसमें कौन कौन से चश्मे पहनने हैं, किस टाइप के चश्मे पहनने हैं, कौन सा मास्क लगाना है, एप्रॉन पहनना है या दस्ताने पहनने हैं, करंट का भी डर रहता है इसमें, शॉक लगने का भी, तो शॉक लगने से बचने के लिए इसमें सब सेफ्टी प्रिक्योरमेंट अपनाने आप पढ़ते हैं। फिर इसमें किस टाइप की वेल्डिंग होती है, यानी कि आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है, थर्मिट वेल्डिंग है या टिग मिग, ये वेल्डिंग का भी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इनका बस शॉर्ट में या ब्रीफ में नॉलेज होना आवश्यक है, कई बार इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। फिर सोल्डरिंग ब्रेजिंग तो मैंने बता दिया आपको। फिर जो होती है वेल्डिंग की प्रोसेस, यानी कि उसका वर्किंग एंड प्रिंसिपल, उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है, क्यों इसके बिना कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कई बार नुमरी का सवाल भी आ जाएगा और या फिर थ्योरी का सवाल भी आ सकता है, तो कोई गारंटी नहीं रेलवे वालों की, वो कहीं से भी पेपर सेट कर सकते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 3 हो गया पूरा। अब मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं,
अब जो ये मॉड्यूल है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से है, यानी कि मैकेनिकल पोर्शन तो लगभग कंप्लीट है और वापस इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोर्शन में आते हैं। तो उसमें भी इलेक्ट्रिक में भी सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह ये कॉमन है सब में, सेफ्टी प्रिकॉशन होना आवश्यक है सब में। फिर उसके अलावा जो उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर, इनका प्रयोग कैसे होगा उसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कंडक्टर और इंसुलेटर से ही होती है, यानी कौन से मेटल कंडक्टर है, कौन से मेटल इंसुलेटर है, और नॉन मेटल लगभग इंसुलेटर्स होते हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन का ज्ञान होना आवश्यक है, एक्सेप्शन जरूर देखें। फिर उसके अलावा सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं या सिग्नल्स कौन कौन से यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, जैसे कि बैटरी का सिग्नल क्या होता है, इस टाइप का होता है। बल्ब के सिग्नल की बात करें तो इस टाइप का होता है, और भी कई सिग्नल्स होते हैं, एम्पियर का, एमिट सॉरी एमिटर का, वोल्ट मीटर का, तो इन सिग्नल का ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये सब सिंबल्स एंड साइंस के बारे में आगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। फिर अब इसमें सोल्डर्स और फ्लक्स आ गया, जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, जिसके ऊपर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन्स की चिप्स होती हैं, आईसी वगैरह या कंप्यूटर के मदरबोर्ड वगैरह बनते हैं। तो उसमें सोल्डरिंग कैसे करनी है, उसमें कौन सा फ्लक्स का यूज करना है, फ्लक्स कैसे बनता है, फ्लक्स का मेटेरियल कौन सा होता है, मेटेरियल कौन सा होता है, कौन से एलॉय से बनता है, उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर के कंडक्टर्स का ज्ञान होना आवश्यक है, कौन कौन से कंडक्टर यूज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के ऊपर सवाल आता है और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। उसके अलावा सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन ओम लॉ भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, उसके अलावा सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी सर्किट कैसे बनेगा, और जो कुछ बेसिक डिवाइसेस है उसमें कौन कौन से सर्किट्स होते हैं, जैसे कि आपका हीटर हो गया, एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ट्रांसफार्मर सिस्टम हो गया, तो उसमें कौन कौन से सर्किट यूज होते हैं, तो उसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है थोड़ा बहुत। फिर उसके अलावा सीरीज और पैरेलल तो आपको छोड़ना ही नहीं है, सीरीज और पैरेलल के ऊपर हमेशा सवाल बनते ही, इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज और पैरेलल के बिना संभव है नहीं, तो उसके ऊपर सवाल आते हैं। फिर उसके अलावा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है, फ्यूज हो गया, अर्थिंग, अर्थिंग भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अर्थिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है वर्क पावर एंड एनर्जी और उसकी कैलकुलेशन, यानी कि आपके घर में बिजली आती है तो वो किस तरह कैलकुलेट होती है, के डब्ल्यू एच, यानी कि उसकी कॉमर्शियल अपन बोलते हैं उसमें यूनिट्स बोलते हैं, यानी कि मेरे महीने का बिल 700 यूनिट्स आया, यानी कि 700 किलो वॉट आवर यूनिट मैंने उपयोग की है बिजली, तो उसका कैलकुलेशन वगैरह भी आ जाता है। यानी कि मान लो कि एक 40 वॉट का बल्ब है, अगर वो 8 घंटे के लिए जलता है तो 3 रुपये यूनिट के हिसाब से महीने का बिल मेरा कितना आएगा, इस टाइप के सवाल आते हैं कई बार, तो इनका ज्ञान होना आवश्यक है। फिर एसी डीसी मीटर्स, फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है ग्रेड्स एंड साइज ऑफ इंसुलेटर वायर, जो वायरिंग होती है उसका कलर कोड क्या होता है, उनकी ग्रेड्स क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या होती है, केबल कौन सी होती है, उन सबका ज्ञान आवश्यक है, जैसे कि कोएक्सियल केबल है और भी कई तरह की केबल्स होती है, तो उन सबका ज्ञान होना। और जो घरों में डोमेस्टिक वायरिंग होती है सिंगल फेज की या 3 फेज की, एसी में 3 फेज की होती है या कुछ हैवी इक्विपमेंट होते हैं उसमें 3 फेज की होती है, तो उन सबका ज्ञान होना आवश्यक है। फिर आगे बढ़े तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, ये जरूर सवाल इसके ऊपर बनता है। और फिर बैटरी आ जाता है, बैटरी के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी अधूरी है, ठीक है। तो ये सब उनकी बैटरी की मेंटेनेंस वगैरह ये सब इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन हो गया है, जो कि आपको इलेक्ट्रिशियन के वीडियोज में से आपको देखना है या उसके कुछ नोट्स या पीडीएफ वगैरह आपको मिले तो उनके में उनमें से ज्ञान लेना आवश्यक है आपको। फिर अभी ये पेट्रोल इंजन के बारे में आ गया, अब ये डीजल इंजन का शुरू हो गया, डीजल मैकेनिक का ट्रेड शुरू हो गया है, जो कि मॉड्यूल नंबर 5 से शुरू है, डीजल मैकेनिक। फीटर कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिशियन कंप्लीट हो गया, बीच में थोड़ा बहुत शीट मेटल का भी आया था, वो भी मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड नंबर रहेगा, थर्ड एंड लास्ट, वो है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक को अभी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि मैं फिर से आपको बता दूं कि हीट हीट इंजन ट्रेड का प्रॉपर
प्रॉपर सिलेबस नहीं है अवेलेबल, तो आपको ऐसे जुगाड़ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें भी फिर से वही ट्रेड सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, यानी कि ये तो आएगा, प्रिकॉशंस तो आपको रटने ही है। उसके अलावा प्रिकॉशंस में जैसे कि आग लग जाए, तो आग लगने में कौन सा सिलेंडर किस आग में प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑयल से आग लगती है तो कौन सा सिलेंडर यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है तो कौन सा होगा, जो लकड़ी के मेटल है उससे मेटल से सॉरी मटेरियल से बनती है आग लगती है तो उसमें कौन सा फोम का यूज होगा, या फिर किस टाइप का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होगा, और उनके कलर सिलेंडर के उनके कलर्स क्या क्या होते हैं, तो इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर जो आता है वो आती है फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स होते हैं वो कौन से ग्रेड के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा SAE, ये फ्यूल के आगे अक्सर लिखा होता है, या फिर वो 2T के लिए है या फिर और किस के लिए वो है ऑयल, तो उनके बारे में ज्ञान होना। उसके अलावा फ्लूड्स हो गया, ग्रीस स्टिक किस टाइप के होंगे, और फर्स्ट एड का इसमें क्या यूज होगा, यानी कि मान लो कि फिसल जाए, ग्रीस कहीं पे लगा हुआ जमीन पे और वहां फिसल जाए, तो सबसे पहले आपको जहाँ पे ग्रीस दिखे तो वहां पे क्या करना, नारियल का बुरादा फेंकना है ताकि वहां पे स्लिप ना हो, और मान लो अगर कोई स्लिप हो गया है तो उसको धीरे से उठाना है और फिर उसको कॉफी पिलानी है। कॉफी पिलाने से क्या होगा कि उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा उसको। ठीक है, आगे बढ़े सेकंड टॉपिक की तरफ देखें तो वो है पेट्रोल इंजन के बारे में, कि पेट्रोल इंजन किस टाइप का बनता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है पेट्रोल इंजन की। मान लो कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन बड़ा है तो इनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, तो ये ज्ञान आवश्यक है। उसके अलावा उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, उनके गैस गैस्केट कैसे लगते हैं और उनमें वाल्व का उपयोग कैसे होता है, तो ये सब तो बाहर का हो गया, यानी कि पेट्रोल इंजन के बाहर दिखावटी का। फिर उसके अंदर की तरफ देखें तो उसका जो प्रिंसिपल्स, यानी कि वो कैसे काम करेगा, कैसे उसको स्टॉप करना है। उसके अलावा 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक है, डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, तो इसमें हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, तो उनकी रनिंग कैसे होती है, उनका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, इनमें कैसे सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है, वी शेप होता है या और कोई शेप होता है, तो उनके बारे में करेंगे। और उसके अंदर अलावा इंजन में जो ऑक्सिलरीज लगती है इंजन के साथ में, तो उसका ज्ञान भी देखेंगे। और उसके अलावा कुछ गेजेस लगते हैं, हॉजेस लगती हैं, और इंजन में वाल्व वगैरह होते हैं तो थ्रॉटलिंग वाल्व वगैरह, तो इनका उपयोग इनके बारे में जानकारी आवश्यक है। तो ये इंजन का लगभग आपके चैप्टर कंप्लीट है। फिर जो लास्ट में आएगा वो है सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर और पिस्टन को आपको भूलना नहीं है, जैसे कि सिलेंडर में TDC, BDC ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर कॉमन टर्म्स हैं, इनके ऊपर चैप्टर में सवाल आता ही है। फिर सिलेंडर की लाइनिंग क्या होती है, उसमें कौन सा मटेरियल होता है, सिलेंडर किससे बनता है, फिर उसमें वीयर टीयर होता है तो उसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उसमें फ्रिक्शन को लेस करने के लिए ऑयलिंग का यूज होता है तो ऑयलिंग किस टाइप से होती है, ये सब ज्ञान होना आवश्यक है आपको। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल नंबर 5th कंप्लीट होता है। अब मॉड्यूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो मॉड्यूल 6 है वो भी डीजल मैकेनिक रिलेटेड ही है। इसमें क्या है क्या आपके फ्लाई व्हील क्लच असेंबली वगैरह इनके बारे में पूछे जाएगा, तो फ्लाई व्हील क्लच असेंबली कैसे होगी, वो किस मटेरियल से बनेगी, वो उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ये सब आपने डीजल मैकेनिक में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, आपने ITI की है तो ITI में भी आपने इन सब के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, बस वो का वही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस बेसिक ही है, क्योंकि 1 घंटे में 75 सवाल ही करने हैं आपको, तो 75 सवाल के हिसाब से वो पेपर सेट करेगा, यानी सिंपल सवाल ही देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके अलावा शाफ्ट और उसकी टाइमिंग वगैरह, उनके डायग्राम, कैम शाफ्ट कैसे होती है, गियर का प्रयोग कैसे होता है, टैपेट वाल्व गाइड्स वगैरह, और इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट टैपेट क्लियरेंस, यानी कि टैपेट क्लियरेंस कैसे रखना है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसका क्या क्या प्रयोग है, अगर वो नहीं रखा जाए तो क्या असुविधा प्राप्त होगी, इन सबका नॉलेज होना आवश्यक है। फिर उसके अलावा इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन, पर्पज ऑफ इंडक्शन कॉइल, स्पार्क प्लग, और उसके अलावा कार्बोरेटर का प्रयोग क्या होता है और उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, फिर उसके अलावा एयर फ्यूल मिक्सर क्या रखा जाए, इसके अलावा फायरिंग ऑर्डर भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि SI इंजन का या CA इंजन का फायरिंग ऑर्डर आ जाता है कई बार,
तो उसका ज्ञान आवश्यक है। सिक्स मॉड्यूल थोड़ा बहुत आगे और चलेगा, वो फ्यूल फिल्टर वगैरह है, फिर उसको फ्यूल फिल्टर को कैसे रिमूव करना है, उसका रिप्लेसमेंट कैसे करना है, कितने टाइम बाद उसको रिप्लेस करना है वगैरह, ये सब उसका हो जाएगा। लास्ट में मेंटेनिंग इंजन लॉग बुक, यानी कि इंजन की लॉग बुक होती है, उसको कैसे मेंटेन करना है, ये थोड़ा बहुत कॉमर्स का पार्ट है, लेकिन ये आपके चलता है थोड़ा बहुत इतना तो। जैसे कि ये इंजन के बारे में उसकी लेखा जोखा रखना, वो होता है लॉग बुक। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड मॉड्यूल, सॉरी मॉड्यूल पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, वो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 7, जो कि है सस्पेंशन स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स, कि गाड़ी में सस्पेंशन का क्या यूज होगा, स्टीयरिंग की क्या महत्व है और ब्रेक्स का क्या प्रयोग है। आपको गाड़ी में स्टीयरिंग ना दे ना ब्रेक्स दे तो आपकी क्या हालत होगी, होगी ना, यानी कि आप निकलोगे देहरादून के लिए और पहुंच जाओगे हरिद्वार, सही ना। तो इसलिए स्टीयरिंग और ब्रेक्स का क्या उपयोग होगा इसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसका गाड़ी में सस्पेंशन कैसे लगेगा, यानी कि जब भी गाड़ी चलती है तो धक्का लगता है हमें, गड्ढे में गाड़ी चलती है तो उसमें हमें अपने पीठ के ऊपर जर्क लगता है, बहुत से दर्द वगैरह होते हैं, तो उसी को शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए शॉक एब्जॉर्वर या सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एयर सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन होता है, न्यूमेटिक सस्पेंशन है, और उसके अलावा लीफ स्प्रिंग्स का भी प्रयोग होता है, जो कि आजकल कम होता है, या ट्रकों में वगैरह या बसों में नहीं, ट्रैक्टर में वगैरह ज्यादा होता है। तो लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग वगैरह, शॉक एब्जॉर्वर, और उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है वगैरह, उनके फंक्शन वगैरह क्या है। फिर आएगा व्हील के ऊपर, कि व्हील का बेस कैसा होगा, और ट्रैक के बारे में भी कई बार आता है, जैसे कि आपने F1 रेसिंग देखी होगी, तो F1 रेसिंग देखोगे तो आपको व्हील और ट्रैक के बारे में ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना लाइफ में F1 रेसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में फंक्शन और उनका मेंटेनेंस तो है ही सब में। अब आएगा बारी स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग के किस टाइप का स्टीयरिंग लगता है, जैसे कि एकरमन है या डेविडसन है, किस टाइप का स्टीयरिंग व्हीकल में प्रयोग हुआ है, और उसका लिंक कहाँ से कहाँ तक होता है, स्टीयरिंग का चेसिस के ऊपर लगता है और बाहर की तरफ किस साइड में लगता है, और कई बार ये भी आता है कि गाड़ी 2x2 है या 4x4 है, तो उसका नॉलेज भी आवश्यक है। स्टीयरिंग में कौन कौन से बॉक्सेस लगते हैं और किंग पिन वगैरह, ये इनका सबका नॉलेज होना चाहिए। स्टीयरिंग बॉक्स का भी होता है, उसका लुब्रिकेशन कैसे होगा, ये सब इसमें इंक्लूड हो गया है, ये स्टीयरिंग का पार्ट है। ठीक है, अब आगे स्टीयरिंग ज्योमेट्री, वही मैंने बताया एकरमैन या है या डेविडसन है, ये एकरमैन आ गया और डेविडसन इसमें शायद नहीं दिया हुआ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डेविडसन। फिर ये चैम्बर, किंग पिन, एंगल कास्टर, उनका इंक्लिनेशन, टो इन टो आउट ऑन टर्न्स, यानी कि जब टर्न लेंगे तो उसमें टो इन कितना करना है या टो आउट कितना करना है, यानी कि पूरा घुमा दिया है तो गाड़ी पूरी घूम ही जाएगी, तो उसको रोकने टू इन टू आउट का उपयोग होता है। उनकी चेकिंग कैसे होती है, और कई बार व्हील का अलाइनमेंट भी चेक करना पड़ता है, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो ये थ्योरी में, ये ज्यादा पोर्शन प्रैक्टिकल का है, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो नहीं, कुछ थ्योरी बेस्ड सवाल आ जाते हैं कई बार। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रेकिंग सिस्टम, इसके ऊपर सवाल आते ही आता है, मैकेनिकल है ब्रेक्स है या हाइड्रोलिक ब्रेक है, उनका क्या प्रपोज है, हैंड ब्रेक भी होता है, हैंड ब्रेक कैसे यूज करना है, और ब्रेकिंग सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको मेंटेन, टाइम टू टाइम मेंटेन करना, ऑयलिंग करना, ये बहुत ही आवश्यक है, ब्रेक टाइट करना भी, टाइम टू टाइम चेक करना कि ब्रेक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, गाड़ी चलाओ तो सबसे पहले ये देखो ब्रेक है या नहीं, तो फिर आपका राम राम सत्य हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक्स और मास्टर सिलेंडर की वर्किंग कैसे होगी, उसके अलावा जो व्हील सिलेंडर होता है, व्हील में वर्किंग ऑफ व्हील सिलेंडर एंड टाइप ऑफ कॉमन ट्रबल इन ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम अगर मान लो कई बार क्या होता है कि टीवी में ज्यादातर देखते हैं मूवीज में कि ब्रेक फेल हो गए, तो ब्रेक फेल किस कारण हुए इसका नॉलेज भी आवश्यक है, कैसे हुए कैसे नहीं हुए जरूरी है। तो ये आपका मॉड्यूल भी ये कंप्लीट होता है, 7th मॉड्यूल, सॉरी ये रिपीट हो गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट मॉड्यूल यानी कि 8th मॉड्यूल,
जो कि है ट्रांसमिशन सिस्टम, ये भी डिजिटल मैकेनिक का ही भाग है। आप डिजिटल मैकेनिक का कोर्स उठा के, सिलेबस उठा के देख लेना, उसके अंदर आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। आप वीडियो देखोगे हमारे यहाँ पे तो आपको वीडियो में ये सब टॉपिक कवर दिखेंगे। इसकी क्विज भी चल रही है अभी, तो आप जरूर क्विज को अटेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल को सॉल्व कीजिए ताकि आप वहां पे अटके नहीं। हो सकता है कि हमारा दिया हुआ सवाल आपको वहां पे मिल जाए एग्जाम में, सीबीटी में, ठीक है। तो उसके ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि गाड़ी कैसे चलती है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि टॉर्क टॉर्क से होता है और शाफ्ट वगैरह उनका यूज से होता है। तो उसमें सबसे जरूरी भूमिका वो है क्लच की। क्लच होता है वो एंगेज या डिसएंगेज करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग है, ताकि गाड़ी में गियरिंग हो जाए। गियर बॉक्स को कैम शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट से अलग करता है, मतलब उसके बीच में असेंबल होता है क्लच, ठीक है। फिर क्लच की असेंबली किस टाइप की है, उसमें मटेरियल किस टाइप के हुए, बॉन्डिंग किस टाइप की हुई, बॉन्डेड लाइनिंग वगैरह, रिवेटेड लाइनिंग वगैरह वो कैसे होगी, इन सब के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। फिर इसके अलावा डैम्पर शोरिंग, क्लच प्लेट वगैरह, फंक्शन की बियरिंग, पायलट वगैरह, कॉजेज या रेमेडीज ऑफ क्लच ट्रेजेडीज, क्लच ट्रबल्स वगैरह, यानी कि क्लच प्लेट कई बार घिस जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको सही करवाना आवश्यक है, या नहीं लगवा दो, पूरा उसका क्लच का सेट आता है, ठीक है। उसके अलावा गियर बॉक्स, गियर बॉक्स और गियर किस टाइप के लगे हैं, जैसे कि स्लाइडिंग में से या साइक्लोन में से है, या और भी कई तरह के गियर बॉक्स लगते हैं, ये नीचे लिए हुए हैं, कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स, साइंक्रो मैश गियर बॉक्स, तो इन सबका उपयोग कैसे होता है। फिर जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लुब्रिकेटिंग सिस्टम, यानी कि लुब्रिकेशन ऑयल का उपयोग आवश्यक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन से ग्रेड का रखना है वो आपकी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके अलावा टाइप्स ऑफ सील्स एंड बियरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्सेस, कौन कौन सा मैटर होता है, फिर जो पुराने गियर्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना वगैरह, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इसी के साथ आपका सॉरी लास्ट में एक और रह गया टॉपिक रियर एक्सेल, इसको नहीं छोड़ना है आपको। रियर एक्सेल में भी सवाल आते हैं, रियर एक्सेल मतलब पीछे का एक्सेल। तो रियर एक्सेल में लाइक व्हील ड्रम वगैरह होते हैं और उसमें डिफरेंशियल लगता है, डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार रियर एक्सल में पीछे की तरफ एक पेटी लगी होती है, पेटी वो डिफरेंशियल ही होता है। छोटी कार होगी तो छोटा डिफरेंशियल होगा, बड़ी ट्रक होगी तो बड़ा डिफरेंशियल होगा। डिफरेंशियल का काम ये होता है कि मान लो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी जब मुड़ेगी तो उसका जो अंदर के व्हील साइड अंदर छोटे डायमीटर वाले पहिए होंगे वो तो धीरे धीरे घूमेंगे, और बड़ा वाला होगा वो जल्दी से घूमेगा, तो फिर क्या होगा, गाड़ी स्किड करने शुरू हो जाएगी। तो स्किड को रोकने के लिए डिफरेंशियल का उपयोग होता है, तो वो वीडियो में आपको डिटेल में दिख जाएगा। फिर उसके अलावा टूथ एडजस्टमेंट रियर एक्सल में, और पावर टेप वगैरह, ऑफ सिस्टम वगैरह, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या रेमेडीज वगैरह होती है, उसमें ट्रबल्स कौन से आते हैं, उन सबका ज्ञान आवश्यक है। तो ये था आपका हीट इंजन का सिलेबस। अब तो संतुष्ट हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका स्वागत है कमेंट सेक्शन में, आइए और कमेंट कीजिए, मैं आपका जो भी होगा मेरे से जो हो पाएगा वो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।